अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आप भी कुछ करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, अड़ गई अस्सलाम है तो फिर शुरू। वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक है। जी तो व्यूअर्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह का तो नहीं, 10 बजे का तकरीबन होगा। जी तो अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार। बाज़ार एक तो मैंने मोबाइल अपने की किस्त देनी है, वो भी जाकर दे आता हूँ। और उसके कुछ अलावा सौदा वगैरह भी ले हाँ, आना। दुकान का भी थोड़ा सौदा लेना, वो भी ले आते हैं। और आज फिर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो कच्चा खू सिटी है उसमें से हमें नारियल मिल जाए। और उम्मीद तो नहीं करती मैं क्या करें यार, वो एक बंदा था वो लेकर तो। आता था नारियल, तो वजह ये बनी कि वो एक नारियल एक दफ़ा मैं लेकर आया, वो ख़राब निकला। तो उसके बाद फिर मैंने उसको जाके कहा कि भैया आपका नारियल ख़राब निकला। उसने कहा कि मैंने कौन सा अंदर से खोल के चेक किया। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उसकी बात से, फिर मैंने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। तो और वो उसे नारियल लेते ही सिर्फ मैं था, और वो उसने नारियल ले के आना भी अब छोड़ दिया अच्छा जी। तो अभी बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि इतनी लंबी तो वीडियो नहीं होती, 10 मिनट या 8 मिनट की वीडियो होती है। आप थोड़ा सा हमें गिफ्ट समझ कर ही दे दिया करें वो अपने 10 मिनट, तो आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी सब बहन जी, भाइयों की। क्योंकि कुछ भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट वॉच करते हैं, लेकिन कुछ आते हैं चले जाते हैं। तो इस तरह ना किया करें, वीडियो अगर प्ले की ओपन की करें तो उसको पूरा वॉच किया करें, ताकि हमें कुछ फ़ायदा हो सके। तो अभी फिर मैं खाना खाता हूँ। खाना तो मैं इनसे काफ़ी देर का मांग रहा हूँ, सुबह का नाश्ता दे दो, ये फिर अपने काम में मसरूफ। मांगा है ना, मैं मांगा था ना। हाँ, ये भी मेरा बात को ना अनसुनी कर देती है, आप लोगों ने इतनी इसकी तारीफें की है। और हाँ, दरवाज़ा बंद करो बेटा जाफा। तो एक और जो बात है ना, वो आप लोगों को मैं क्लियर यहाँ पे कर दूँ कि जो दांतों वाली बात है ना, वो माशाल्लाह से मुझे खुद को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो हमने बात की थी ना दांत की, तो वो बिल्कुल रियल नहीं थी। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर हम हंसा मजाक थोड़ा सा ना वीडियो में करें तो आप लोगों को वीडियो देखने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये दांत वाली बात कोई भाई, हमने एक दूसरे पर रिएक्ट नहीं करते, वो इनको जी पता है जी कि हम जो घर में हैं वो जिस तरह रहते हैं अच्छे तरीके से रहते हैं। तो ये कोई भी ऐसी, आपको तो वो मेरी बात बुरी नहीं लगी, नहीं, वो मुझे तो हम मेरे दांत अच्छी लग रही क्योंकि है। वीडियो बनाते वक्त हम, बेटा ना कर जाता, वीडियो बनाते वक्त हम काफ़ी इस तरह की बातें कर लेते हैं जो हम आप लोगों के लिए सिर्फ करते हैं, क्योंकि वो अगर ना करें तो आप लोगों को फिर वीडियो देखने में कोई मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, वैसे सीरियस तो नहीं है सादा हम। सीरियस रहें तो फिर आप तो वो तंग हो जाएंगे कि यार ये क्या मसला है, ये तो रोज़ सीरियस होते हैं। तो इसलिए अभी मैं फिर नाश्ता करता हूँ और चलता हूँ। तो हमारी इस तरह की बातों को ज़्यादा सीरियस न लिया करें, वीडियो बनाने के लिए पता नहीं क्या थोड़ी क्या बहुत पापड़ बेलने सीरियस, पड़ते हैं। थोड़ी बहुत ही सीरियस। थोड़ी बात ही सीरियस ले लेकर ज़्यादा सीरियस न लिया करें। हाँ तो जी, बाकी जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का भी एक भाई कह रहे थे कि अपनी वाइफ का ड्रेसिंग का ख्याल रखो, तो बच्चे पैदा करने वाली मशीन। भाई ऐसी बात नहीं है, वो बच्चे रब की देन है। कुछ बंदे इस तरह के भी हैं जो तरस रहे होते हैं, जिनको एक औलाद के लिए वो तरस रहे होते हैं। तो अल्लाह ने हमें बच्चे दिए हैं और दे रहे हैं, तो हम इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकते, हम सादा से लोग हैं। तो बस खुश है बच्चों के इस साथ। किस्म की बातों से हमें बहुत ही ना वो अच्छा नहीं लगता। तो ड्रेसिंग जो है ना, ये मोतियों वाले भी इसके कपड़े पड़े हुए हैं लेकिन वो ये पहनती नहीं है, ये कहती है कि सिर्फ सादा से सिंपल से हाँ हो। जी, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में कपड़े लेने के लिए जाऊंगी, मैं सिंपल सादा जिया कपड़े लेती है, मुझे बहुत डिजाइन वाली कपड़े अच्छी नहीं लगती। जी तो अभी चले जी, खाना खा के हाँ जी, चले जाते हैं, मैं वरना ये तैयार कर भाई लोग कहेंगे कि क्या लूंगी। 3 बार कह चुके खाने का। तो अभी आप लोगों की भाभी मुझे खाना देती है, मैं खाना खा के फिर बाज़ार चलता हूँ, और आप लोगों ने वीडियो के साथ बने रहना है। हस्बैंड तो लगी गई है बाजार, फलूदा वाला आ गई थी, फिर हमने फलूदा ले ली है, और अम्मा ने, मैंने और उसे आगे बैठ के अभी फलूदा खा रही है। आप भी खाली तो बता दे। ज़्यादा देर वास्ते ठीक है, और अंगूर बेटा मिले कोई नहीं। ये सामान लेकर हम आ गए हैं। ओए माँ, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस तो जी बाज़ार से मैं आ गया हूँ, और ये दोनों बहन भाइयों के काम देखें, क्या कर रहे हो बेटा आप ही को ना नहीं मारना, आप ही को नहीं मारना। आप भी मार दी है ना, आप अब एक ही नहीं ही उसको कह रही, उठ जाओ, कहती है ऊपर उठो ना ना बेट नाथ लिया बेटे ना ना नाथ लिया बेटू, भाई है भाई, बड़ा भाई। तो बड़ा भाई आप अच्छा कोई काम करो, ये दरवाजे में सो लिया। आप तो बहुत मारने लग गई हो भाई, हैं भाई को मार रही हो, नहीं मारना।
ने बेटे। तो जी व्यूअर्स, जब मैं बाजार जाता हूँ उस वक्त अम्मा दुकान पर बैठती हैं, तो मैं बाजार जाता हूँ। आज अम्मा लग रही काफ़ी ज़्यादा थक गई हैं। अम्मा थक गई हैं आज? थक गई हैं। जफर तंग की तो सी जफर जफर तो धमी जफर सी हम गए गट्टी को लगा दे। आए आए आए, कोई लग गया ना लग गया। ये देखिए अब अभी इसको कुल्फी लेकर देनी है, तो उधर से इसको 10 रुपए उठा देता हूँ। 10 वाली कुल्फी ये खाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 10 वाली खा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाज़ार से मैं आ गया था काफ़ी देर का, उसके बाद नमाज़ पे गया हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, और जो भाभी आपकी है इसके लिए नारियल मुझे आज भी नहीं मिला है। मैं आपको पहले ही बताई ना, मुझे उम्मीद तो कोई नहीं है आज नारियल ले आ जाए। तो इनकी एक और फरमाइश थी, वो तो मैं लेकर आया हूँ। आज पता नहीं इनको ना बूंदी याद आ गई है, बूंदी। हाँ जी। और बूंदी जो है ना, वो हमारी कंट्री में भी उसको बूंदी कहते हैं, और श्रीलंकन में बूंदी आप लेंगे। हाँ, इन्होंने मुझे कहा बूंदी लेना, मैंने कहा वही जो खाते हैं। कहती आपका भी नेम इधर है वही है, मैंने कहा जी बूंदी है, तो इन्होंने कहा उधर भी बूंदी है। सिर्फ एक फर्क है आपके, इधर तो छोटी छोटी है ना, उधर तो थोड़ी सी बड़ी है, वहाँ पे बड़ी बड़ी होगी ना। चलो, तो बूंदी तो हमने खा लिया है। इनको मैंने कहा था असर के वक्त मैं आऊँगा आपने, तो उस वक्त फिर वीडियो बना लेंगे, लेकिन बूंदी इन्होंने खा पी के पेट भर के बैठी हुई है। देख लूंगी ना, लेके आऊंगी, फिर वो वेख वेख के दिल तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा काम, मैंने कहा था कि चलो देख देख के थोड़ा सा ना ये इनकी भूख मर जाएगी, लेकिन इन्होंने जल्दी जल्दी खा लिया है, ब्लेसा किया है। गला भी आज इनका काफी खराब हो चुका है। हाँ जी, आपने खा बताई है ना, कुल्फी भी खाई है, फलूदा भी खाया। मैं जब बाजार गया तो इन्होंने पीछे चोरी चोरी फलूदा भी खाया। अच्छा, मैंने अभी आपके लिए चाय ले आई थी, सुबह भी मुझे बताई थी चाय में मक्की है, मैं तो नहीं मक्की डाल के दे रही। सुबह के वक्त दिनों जाके चाय दुकान में रख दिया, और मैं थोड़े से मोबाइल में बिजी था, कमेंट के जवाब दे रहा था, तो चाय में मक्खी आके गिर गई। हाँ, मेरे तो गलती नहीं है ना पे। तो आपकी गलती आप ऊपर कुछ डाल के रखना था ना, आपको पता आजकल मक्खियों का दौर आ गया है। तो बस ये चाय जी अभी इन्होंने असर के बाद ही पकाई है, और मैं पहले चाय नहीं पीता था, इन्होंने मुझे अभी चाय का आदि कर दिया है। इसलिए ये भी सीख गई है ज्यादा चाय पीनी, और इन्होंने मुझे भी सिखा दिया है। उस वक्त तो मैंने बिल्कुल पीता था चाय, लेकिन अब मुझे चाय 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 पे लगा। मैंने ना बनाऊंगी ना, फिर शाम के वक्त मेरे ना पूछ लेंगी, आज चाय तो बनाई कोई नहीं। तो अभी बस आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।